इंट्रोडक्शन दे रहे हैं गुरु जी? जी, आज हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज इम्यूरिच। इम्यूरिच इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड टू सर्वाइव विथ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आज हमारा एक साथी की तरह, साथी नहीं कहेंगे, एक हमारा चैलेंज की तरह है जीवन में, उससे हमें फाइट भी करना और सर्वाइव भी करना है। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर नव कुमार राजू, दादा साहेब फिल्म अवार्ड विनर एंड बॉलीवुड फिल्म मेकर, वन ऑफ द बेस्ट नेचुरोपैथ सेलिब्रिटीज इन बॉलीवुड। तो आज हम आदरणीय नव जी को से क्वेश्चन करेंगे, हाउ वी विल सर्वाइव विद कोरोना वायरस, बिकॉज दिस इज द लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों को घर के अंदर बंद करके रखा है। यानी आज एक शेर, जो हम सब शेर समझते थे, एक शेर पिंजरे के अंदर है, तो कैसा हमें फीलिंग हो रहा है एंड हाउ टू सर्वाइव एंड व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होगा, इस पर हम आदरणीय डॉक्टर नव कुमार राजू फिल्म मेकर बॉलीवुड से आज हम जानना चाहेंगे कि कुछ पर एक्सप्लेनेशन दे अपना। जी श्योर श्योर, मैं स्टार्ट जी गुरु मैं स्टार्ट गुरु जी 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 अब देखिए, आजकल आप लोगों ने सबने देखा, एक बड़ी चर्चा हो रही है, शॉर्टेज हो रही है पीपीई की, करेक्ट जी। हर आदमी, हर डॉक्टर पीपी की ढूंढ रहा है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए जी। सो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है पीपीई, ये बड़ा टेम्पररी है जिसे हम पहन रहे हैं। अगर इसी को जो नेचर ने हमें दिया है, जिसका हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे आज तक, वो जो एक पिरामिड नेचर ने हमें दिया, जब हम किसी भी योग मुद्रा में बैठते हैं या वैसे भी, तो एक पिरामिड जैसा तैयार होता है जी। तो मैं उसके रेफरेंस से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इम्यूनिटी को कैसे राइज किया जाए, कैसे बचा जाए। सो वो जो तीन पिरामिड है, वो पिरामिड का जो निचला हिस्सा है जी, वही आपका पीपीई लेयर प्रोटेक्शन जो नेचर ने आपको दिया, जो हर किसी को दिया जी। So, उस पीपी का जो निचला हिस्सा है वो है नेचर एंड यू जी। जितना हम नेचर के सिंक में होंगे, उतना इम्यूनिटी हमारी इंटेक्ट रहेगी, सही रहेगी। अब नेचर के सिंक में रहने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार सूर्य देव को उगते हुए देखा था, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जल को जीवन समझ के उतने प्यार से पिया था, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हवा को, ऑक्सीजन को प्राण रक्षक समझ के उससे प्यार किया था। सो ये जब आपके पिरामिड का जो नीचे का लेयर है, आप स्ट्रांग कैसे करेंगे? आप स्ट्रांग करेंगे नेचर के साथ सिंक में आकर। मैं एक बार उस पिरामिड के तीनों एंगल्स आप लोगों को बता दूं, फिर बारी बारी एक के बारे में बताऊंगा जितना टाइम आप देंगे। उसका जो दूसरा एक एंगल है, क्योंकि तीनों इंटैक्ट होना चाहिए तो आप प्रोटेक्ट होंगे किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से, जो दूसरा है वो है एक्सरसाइज एंड फूड। इससे पहले तो क्या था, चलिए हम अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि चलिए, पहले एक टाइम था जब हॉस्पिटल गांव से, शहरों से दूर होते थे, अब हॉस्पिटल जो है हमारे नेक्स्ट बिल्डिंग में ही है, तो कुछ भी होगा तो डॉक्टर अग्रवाल के पास चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा, ये वायरस आपसे 3-4 फीट दूरी पर ही घूम रहा है, तो आपको अभी बहुत सतर्क होना पड़ेगा। उसके लिए ये एक्सरसाइज एंड फूड जो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अभी बात कर रहे थे, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है आपके लिए कि आप अभी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी योगा पर आ जाएं, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आपको अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने बॉडी को सही रखना है, तो आपको अगर अपनी प्राण शक्ति बढ़ाए रखनी
रखना है तो आपको योगा और प्राणायाम पर आना ही पड़ेगा। सो ये एक हुआ उसका पार्ट। अभी दूसरे पार्ट पे चलते हैं जी। वो है सर होलिस्टिक लाइफस्टाइल। जी, उस होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आपको मेडिटेशन कंपलसरी होगा और सकारात्मक जीने का तरीका अपनाना पड़ेगा। जी, क्योंकि अगर आपका जीने का तरीका नकारात्मक है, आपकी सोच में वो सकारात्मकपन नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होगी, ये पक्की बात है। सो ये मेरे ख्याल से जो मैंने अपने लोगों को मैं बताता रहता हूं कि ये तीन तरीके का शेड है पीपी, जो किसी और को नहीं दिखेगा पर ये उस वायरस को दिखेगा कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय दिस पिरामिड। सो मैं नीचे की बात करता हूं कि नेचर और यू, हमें 24 घंटे में मेरे फादर कहते थे 24 मिनट आप नेचर के साथ बिताइए। आप सुबह सूर्योदय से पहले उगिए और सूर्यदेव का वेलकम करिए। तो हम छोटे थे तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि नींद आती थी तो लगता था क्यों डैडी उठा देते हैं यार, सूर्यदेव का क्या वेलकम करें, ओम सूर्यदेवाय नमः क्यों बोले। पर आज समझ में आता है कि उस समय की जो विटामिन डी बॉडी में है, जिसकी वजह से हम दो दो महीना शूटिंग कर पाते हैं, 24-24 घंटा काम कर पाते हैं जी। सो इम्यूनिटी का पहला इंजेक्शन वो सुबह मिलता है हमें, जब आज का यूथ सोया होता है 10 बजे तक। बिल्कुल सही। और इस चीज की शुरुआत में सुबह भी नहीं, मैं पिछली रात से करना चाहूंगा गुरु जी, क्योंकि अगर पिछली रात को आपने सही वक्त पर सोया नहीं और सही वक्त पे आपने अपना लैपटॉप, आपने अपना मोबाइल दो घंटा पहले छोड़ा नहीं, आपने सोने से 3 घंटा पहले अगर कम से कम खाया नहीं, और खाने से पहले आपने अगर हल्दी की चाय नहीं पी, योग निद्रा में नहीं गए और सही सोने का समय निर्धारित नहीं किया, तो सही समय पर उठने का समय भी निर्धारित नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ये मोबाइल, ये लैपटॉप, इसी के रेडिएशन में अपनी रात बिताएंगे, ये आपकी इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपका बेडरूम है उससे आप प्लीज ये रेडिएशन की चीजों को बाहर रखिए, बॉडी को नेचुरल हील होने दीजिए, बॉडी को उतना टाइम दीजिए कि दिन भर का खाया हुआ कचरा वो बॉडी से एलिमिनेट कर सके। अगर ये नहीं रात को शाम को करेंगे तो अगले दिन आप लेथार्जिक फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, और फिर कैसे उठेंगे आप सूर्योदय के समय। सो ये शुरुआत गुरु जी मेरे हिसाब से सुबह नहीं होती, ये शुरुआत पिछली शाम से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब सुबह हम सूर्यदेव का वेलकम करते हैं, और वेलकम करने के तुरंत बाद जब हम थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगा करते हैं, तो हम दिन भर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसके बाद आती खाने की बात। तो खाने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपकी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रखना है, जिस किसी जगह पे आप हैं वहां से 100-200 किलोमीटर में जो भी उगता है वही आप खाइए। क्योंकि जी गुरु जी, हाँ, जो वो एरिया का जो है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, जो जिस किसी एरिया में आप हैं उसी एरिया में उगी हुई चीज आप खाइए, और उगी हुई चीज खाइए, डेड फूड मत खाइए। जी जी, आपने देख लिया जो पिज्जा और बर्गर पे आधारित देश थे वो सारे देशों का क्या हाल हुआ। बिल्कुल सही। और आप हमारे आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए और मुझे बता दीजिए कि कोरोना से कितनी डेथ वहां हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम है वहां केसेस। एग्जैक्टली। सो मैं यही कहता हूं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सीजन के जो वेजिटेबल्स हैं, सीजन के जो फ्रूट्स हैं, और जो 100-200 किलोमीटर में आपके आसपास उगते हैं, आपको गुरुजी उन्हीं का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये फूड की बात है, और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, ब्रेकफास्ट आपको करना है आप करिए, लंच करिए, दिन में एक समय हेवी फूड खाइए और एक समय बहुत
बहुत लाइट फूड खाइए, क्योंकि बॉडी की हीलिंग खाने को खाकर नहीं होगी। बॉडी को टाइम दीजिए अपनी हीलिंग के लिए। आप उसको अगर ऑल द टाइम खाने में एंगेज रखेंगे, मैंने बहुत लोगों के घरों में देखा है कि खाने का एक प्लेट खत्म हुई और दूसरी प्लेट आ जाती है, तीसरी प्लेट खत्म हुई चौथी प्लेट आ जाती है, तो आपने अपने पूरे तंत्र को जितना खाते जा रहे उसको पचाने के लिए रखा है। सो बॉडी हील कब करेगी? लोगों को यह लग रहा है आजकल कि ज्यादा खाना खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी 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 जी। और ये इम्यूनिटी कोई एक दिन दो दिन का ये वो नहीं है, चलचित्र नहीं है कि आज आपने कुछ कर लिया, विटामिन सी की टेबलेट खा ली, विटामिन डी का इंजेक्शन लगा दिया और आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। ऐसा नहीं होगा गुरु जी। इम्यूनिटी बढ़ाना एक लाइफस्टाइल है। यस करेक्ट, बिल्कुल। आपको इस लाइफस्टाइल को जल्दी से जल्दी अपनाना पड़ेगा। खास करके मैं उन क्षेत्र के लोगों को बता दूं जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई है, 10 दिन में 15 दिन में कभी भी बारिश होगी, बारिश होने के बाद कई सारी और बीमारियां डेवलप होंगी। अब तो एक ही डर है कोरोना का, फिर दो तीन बीमारियां हर साल की तरह खड़ी हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी किस किस से लड़ेगी, किस किस से डरेगी? और डरने के बाद इम्यूनिटी खत्म कैसे हो रही है? आपकी इम्यूनिटी खत्म कैसे हो रही है? नकारात्मक सोच से, फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ये सारी चीज क्या कर रही है आपके बॉडी के अंदर? आपकी इम्यूनिटी पे ही घात कर रही है, आपकी इम्यूनिटी को ही मार रही है। सो अभी ये जो 10-15 दिन है, इसे में अपने आप को बहुत तंदुरुस्त बना लीजिए, अपने इम्यून पावर को थोड़ा ठीक कर लीजिए और इस इम्यून को बढ़ाना ये लाइफस्टाइल बना लीजिए। बिल्कुल। इट विल टेक सम टाइम, सम मोर टाइम टू बिल्ड इम्यूनिटी इन योर बॉडी, इन योर सिस्टम। मीन्स इम्यूनिटी, इम्यूरिच इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज राइट नाउ। आज के लिए हमारा सबसे बड़ा जो दवा है, औषधि है, वो हमारा इम्यून सिस्टम को रीच रखना है, तब जाके हम इस संसार में सर्वाइव कर सकते हैं और जो हमारा वर्क है या जो गोल है उसे हम अचीव भी कर सकते हैं। बिकॉज जीवन जीना है तो हम सबके साथ में एक होप ऑफ लाइफ है, एक ड्रीम है, तो ड्रीम भी हमें पूरी करनी है और जीना भी है। तो डॉक्टर वंदना जी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप करें। हाउ वी विल सर्वाइव, कैसे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, और डॉक्टर साहब ने तो इतना कुछ बोल दिया कि बोलने के लिए कुछ बचा तो बाकी नहीं। अरे नहीं, 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 नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल और डाइट आपका एक मेन मुद्दा है कि आज के कोरोना के समय में या किसी भी इंफेक्शियस डिजीज से बचने के लिए। इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। आज हम सब के लिए समस्या है क्योंकि एवरी प्रॉब्लम्स हैज आंसर, एवरी प्रॉब्लम्स हैज अ सॉल्यूशन, हर समस्या में समाधान हिडन होता है। सो डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन, हम सब के अंदर ही सॉल्यूशन है, एंड डेट इज कॉल्ड आर इम्यून रीच, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे रीच करें। सो डॉक्टर वंदना विल एक्सप्लेन ऑन दिस टॉपिक। यस सॉरी, वो नेटवर्क शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि ये तो हमें रेज करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी आखिर है क्या, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देश काल और प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको डाइट खाना है, मतलब 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में जो चीज भगवान ने उगाई वो आपकी शरीर के लिए बहुत जरूरी। तो देश काल और प्रकृति, ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा, हमारी वैदिक साइंस और योगिक साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो बिल्कुल देश काल और प्रकृति की बात की गई है हर जगह पर, कि जहां आप रहते हैं उसी जगह पे जो उगी हुई चीजें हैं भगवान ने जो दी हैं वो आपकी प्रकृति के लिए बहुत अच्छी है। अब हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या है। जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी को एनहेंस करना है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी है जी। कई बार क्या होती है,
ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो इम्यूनिटी ही इम्यूनिटी को खाती रहती है जी। और एक डिजीज होती है जैसे कि कोरोना वायरस, वायरस आया और हमें अटैक किया और हमारी डब्ल्यूबीसी इतनी वीक है जी। कि वो उससे लड़ने में असक्षम है जी। तो वायरस ने वहां पर खड़ कर दिया जी। और वो जो है आपका बीमारी का कारण बना जी। तो अब ये इम्यूनिटी कैसे बढ़े, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि खाना खाना है और अच्छे से पूरा रखना है प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका है, क्योंकि आज की तारीख में टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं पेशेंट सभी के अंदर। हम योगा, कुछ योगाचार्या हैं, कुछ नेचुरोपैथी वाले हैं जो बहुत ज्यादा, या आयुर्वेद को समझने वाले हैं जो बहुत ज्यादा अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो हम डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। पर अगर आम जनता की हम बात करें तो टॉक्सिन है जिनका भी पेट बैली, एब्डोमेन बैली, छाती से बाहर है, इसका मतलब वो आंतों में टॉक्सिन भरा पड़ा है जी। तो सबसे पहले हम अगर मेडिकली सिस्टम से चलें, आयुर्वेदिक या वैदिक सिस्टम से चलें, तो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे आजकल कार्ड बता रहे हैं कि बॉडी को डिटॉक्स कर दीजिए जी। तो एक तो आंतों का डिटॉक्सिफिकेशन और एक लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन जी। लंग्स में अगर थोड़ा सा भी बलगम जमा है तो आपकी इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वायरस को वहां जगह मिल जाती है बैठने। तो लंग्स जैसे डिटॉक्स होगा, कुंजल क्रिया है हमारी, या बहुत सारे काढ़े हैं, काली मिर्च, हल्दी, इन सबका सेवन, जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन दी वो डिटॉक्स करने के लिए दी। काली मिर्च इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, काली मिर्च डिटॉक्स करती है। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन से लड़ती है। हल्दी जो है वो वुंड हीलर है, हल्दी एंटीपायरेटिक है। तो ये जो आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी वो इसीलिए दी, सबसे पहले आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, उसके बाद आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी डाइट, जो डॉक्टर साहब ने बताई कि आपकी डाइट वैसी हो जो आपके देश काल और प्रकृति के अकॉर्डिंग हो। जैसे सर ने बताया कि आपके एरिया में जो भी चीजें होती है वो आपके शरीर के लिए, नेचुरोपैथी में बहुत बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि आपके, आप जहाँ रहते हैं वहां भगवान ने वैसी ही चीज उगाई जैसी आपकी शरीर की प्रकृति को जरूरत है जी। तो इस तरीके से डिटॉक्सिक हो गया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और डाइट हो गई, ये बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, सारे प्रकृति में हमें जीना है, ये करना है, बहुत अच्छा है। एक तो फिजिकल लेवल हमारा वीक है, इम्यूनिटी वहीं आती है, इम्यूनिटी फिजिकल लेवल की चीज है। और एक हमारा मेंटल लेवल, जैसे सर ने स्ट्रेस की बात करी, डिप्रेशन की बात करी, आज क्वारंटाइन के टाइम में हम लोग बहुत डिप्रेशन में है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। अब मैं आगे की अगर एक बात करूं, टेक्नोलॉजी को हम बहुत गलत कहते हैं और है भी, जैसे सर ने बताया कि बेडरूम में अपने मोबाइल नहीं रखना, दूर रखना। लेकिन अब हमें अपनी इम्यूनिटी को, शरीर को और मन को ऐसे बैलेंस करना है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो मीटिंग चल रही है ये इसी के साथ चल रही है और ये डायरेक्ट हमारी रेज हमें अफेक्ट कर रही है, आज भी कर रही है। तो हमें इस तरीके की चीजों को डेवलप तो करना पड़ेगा, स्ट्रेस को रिलीज तो करना पड़ेगा। हाँ, बेडरूम में सोते वक्त बिल्कुल मोबाइल को 1 किलोमीटर दूर रखना, ये बहुत जरूरी है। तो तीसरा ये हो गया कि कोरोना के साथ हमें कैसे जीना। केवल एक कोरोना ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे वायरस है। अभी HIV की दवाई कहाँ मिली हमें, HIV किसी को हो जाता है, कहाँ दवाई है, पेशेंट तिल तिल करके मर जाता है। अभी हमें गैंग्रीन की दवाई कहाँ मिली, गैंग्रीन अगर हो गया तो नेचुरोपैथी के अलावा और आयुर्वेद के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, पैर काटते जाते हैं। हम हॉस्पिटल में हुआ करते थे, मेरी ड्यूटी सुभाषी मेडिकल कॉलेज में हुआ करती थी, एक 28 साल का लड़के को मैंने रोज रोज पैर को एक इंच कटते हुए देखा और वो पेशेंट मर गया। तो अभी तक ऐसी डिजीजों की भी हमारे पास दवाइयां कहाँ है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी वैदिक साइंस और योगिक साइंस में लौट कर आना पड़ेगा और बिल्कुल ये अपनी जो पीपीटी हमें तैयार करनी पड़ेगी और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आ जाए। लेकिन ये केवल हमारे ना, जो हम ज्ञानी लोग या आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योग के ज्ञान वाले लोग बैठे हैं, ये बात हम तक पहुंचती है। हम चाहते हैं ये बात एक एक शख्स तक पहुंचे, हमारे गांव वाले लोगों के पास पहुंचे, जो आज किसान हैं वो भी अपनी प्रकृति से दूर होते हैं। पहले हल चलता था, ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी तो आ रही है। मैंने कितने किसानों को देखा है कि ट्रैक्टर जो चलाते हैं, अपने खेतों की जुताई करते हैं, उनके पेट इतने निकल गए हैं कि फैटी लिवर हो गया है और एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ गई है, जबकि वो तो बिल्कुल नेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि ट्रैक्टर पर बैठने के लिए आप 1 घंटे ट्रैक्टर अगर चलाते हो तो उसमें आप अपने डाइजेशन को कैसे दुरुस्त एंड तंदुरुस्त रखें, कमर को सीधा करके बैठे, कंधों को गिरा कर रखें, आप स्टेयरिंग को पकड़ते हो, तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, हर किसी को सीखना पड़ेगा। तो ऐसे
मेडिकल टर्म है, इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान तक ये बात जानी चाहिए। जो हमारे सारे प्रकृति में सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई और पंच तत्व स्थित है, और वो ही पंच तत्व हमारे शरीर में। yes. तो ऋषियों ने क्या किया कि तत्वों को तीन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आकाश और वायु से वायु बनी, अग्नि और वायु से पित्त बना, जल और पृथ्वी से हमारे शरीर के अंदर। तो ये पंच तत्व ऋषियों ने, हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने तीन प्रकृति में कन्वर्ट कर दिया। तो इन तीनों में अब हम ये देखें कि कोरोना कौन सी प्रकृति टेंपर होती है, कोरोना ज्यादा अटैक करता है। हाँ जी। तो कब प्रकृति अगर बढ़ रही हुई है, यानी कि जल और पृथ्वी की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो कोरोना जैसे वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे और आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। तो हमें सबसे पहले अपने कब का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस करना चाहिए। तो कब के ट्रीटमेंट के लिए ही काली मिर्च, हल्दी या गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हमारी WBC को एनहेंस करती है और WBC को स्ट्रॉन्ग करती है। yes. दो चीज होती है, एक तो कम है और एक स्ट्रॉन्ग होना है। एक तो WBC की काउंटिंग कम है और एक स्ट्रॉन्ग होना है। जैसे आज मैंने वीडियो पे मेल इनफर्टिलिटी की बात की, शायद सुना होगा किसी ने, तो उसमें एक तो कम हो जाते हैं, इसका काउंट एक वीक हो जाता है। तो ऐसे इम्यूनिटी पावर एक कम हो जाती है, एक वीक हो जाती है। तो गिलोय एक ऐसी औषधि है जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। वात का टेम्परामेंट होने से आपके पेन बढ़ जाते हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, स्ट्रेस बढ़ता है। और पित्त का टेम्परामेंट होने से आपकी स्किन डिजीज हो जाती है, बहुत ज्यादा लीवर अफेक्ट होता है, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो भी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इन सबको करने के लिए बिल्कुल वैदिक और योगिक साइंस में आना पड़ेगा। और डिटॉक्स बॉडी को करके फर्स्ट वी हैव टू डिटॉक्स अवर बॉडी एंड देन डाइट, जो सर ने बताई बहुत अच्छी बताई सर ने, और फिर लाइफस्टाइल तो हमें है ही है, सुबह उठना। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी, जो मुझे सुन रहे हैं सब लोग, आप तो सब योगाचार्य हैं, बहुत महान और बहुत सभी नॉलेजेबल हैं, मैं भी महान हूं, कि 24 घंटे में से कम आधा घंटा केवल मौन में बैठने का अभ्यास शुरू कर दें। और मौन में बैठने का मतलब है कि थॉट का प्रोसेस शून्य हो जाए, थॉट प्रोसेस को रोक। वो स्वामी जी से भी सीख सकते हैं सब, और किसी भी नेचुरल आचार्य मुझसे सीखा जा सकता है। मैं निरंतर विपश्यना करता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मौन का बैठना यानी कि आपके सारे फंक्शंस को बैलेंस कर देना और थॉट प्रोसेस को रुक जाना, तो जो बॉडी के नेचुरल फंक्शंस हैं वो चालू होंगे, और जो नेचर प्रकृति ने भगवान ने हमें जो फंक्शंस ऑटोमेटिकली दिए हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं। तो इसलिए मौन का होना बहुत जरूरी है। बस इससे ज्यादा और क्या बोलूं, दूसरों को भी टाइम मिलना चाहिए। हाँ, मौन सर्वार्थ साधनम, मौन को सबसे बड़ी साधना भी कही गई है। मौन सर्वार्थ साधनम एक बहुत बड़ी साधना है मौन। और आदरणीय नब जी करीब 10 times 10 शायद विपश्यना ध्यान में इन्होंने विपश्यना भी की है। बहुत बहुत इनको धन्यवाद, शुभकामना। समय इन्होंने निकाला क्योंकि बहुत बिजी थे। आज इनकी 4 ऑनलाइन क्लास थी, उसमें से एक क्लास को इन्होंने बिल्कुल अपने इस कार्यक्रम के लिए दिए, प्रोग्राम के लिए दिए। बहुत बहुत इनको धन्यवाद। तो थोड़ा सा आप ब्रीफली, व्हाट इज द पावर ऑफ मौनम? मौनम एक मतलब साइलेंस, द एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस, इस पर एक्सप्लेनेशन आप करें। क्या साइलेंस मौन ध्यान है या फिर मौन साधना क्या है? गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं या? हाँ जी, हाँ जी, आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी, हाँ नहीं, हाँ आप अपना स्पीकर ऑन, स्पीकर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, जो भाई बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही। इसके बाद स्वामी जी थोड़ा सा ना ध्यान की प्रैक्टिस करा देंगे। हाँ, वो लास्ट में यूनिवर्सल मेडिटेशन करेंगे। बस उसमें मैं एक ही मौन के बारे में एक ही लाइन बोलकर मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा जी। और मेरे लायक कोई भी काम हो, आप सभी को बता रहा हूँ, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप लोग कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। गुरु जी के पास मेरा नंबर है, आप लोग नंबर ले सकते हैं। गुरु जी जो मौन है जी, वो ऐसे है कि एक मंदिर है जी। और उस मंदिर से
उस मंदिर का पुजारी ही गायब है। एग्जैक्टली ये वही वही भाव है। जब आप मौन होते हैं तो आप अपने मंदिर में लौट आते हैं देर सवेर, और जब आप अपने मंदिर में लौट आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा आप हैं कौन। यस। और जब जब हम दूर भटकते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहां भटक रहे हैं, हम किस मंदिर को बिलोंग करते हैं। इस मंदिर को हमने लावारी छोड़ दिया और हम बाहर भटक रहे हैं, और जबकि बाहर बहुत क्षणिक है ही नहीं बाहर कुछ भी। सो इसलिए जो वंदना जी ने कहा, इसलिए मैं एकदम खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाह रहा था, मैं बहुत सारी पॉइंट लिखे थे मैंने कि शहद के ऊपर बहुत बोलूंगा कि शहद खाइए, सबको मैं बोलूंगा कि शहद जरूर खाइए। और जैसे वंदना जी को इतना पता है, जैसे यूकेलिप्टस शहद हरियाणा के क्षेत्र में, नॉर्थ के क्षेत्र में बहुत मिलता है, दुर्भाग्य यह है कि वो विदेश में सप्लाई हो जाता है। सो इस इम्यूनिटी के लिए जो आप बात कर रहे थे, जैसे हल्दी इन्होंने कहा, जैसे जिंजर कहा, जैसे ये मैं हनी के बारे में बता रहा हूं, ये सारी चीजें खाइए, और दिन में जरूर जरूर जरूर, जैसे इन्होंने कहा कि 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट नहीं तो 10 मिनट। अच्छा, एक धीरे धीरे एक प्रश्न आती है, अपने साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय केजरीवाल कलकत्ता से, पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। अब ये प्रश्न आता है, डॉक्टर साहब को देख के हमें ये प्रश्न आया, डॉक्टर विजय केजरीवाल इज अ ग्रेट, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, योग का अभ्यास करते हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, ये पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, तो ये प्रश्न आता है कि बच्चों को क्या दिया जाए, बच्चों की इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक बार हम डॉक्टर साहब को भी लेंगे लाइव में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। नब जी, छोटा बच्चा है, उसे क्या किया जाए? नहीं, आप किन से पूछ रहे हैं? आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं ना, उनसे? ठीक है, नहीं आप भी बता सकते हैं, आप बताएं। नहीं नहीं, वो बताएं। हाँ जी, तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर वंदना, बच्चों के लिए क्या, किस तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए? छोटा बच्चा है, और उस बच्चे की इम्यून के लिए क्या किया जाए? देखिए नेचुरोपैथ के थ्रू डॉक्टर बैठे हैं, तो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बैठे हैं, तो बहुत अच्छा वो ज्यादा बता सकते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि जब मैं नर्सिंग में हुआ करती थी तो एलोपैथिक भी काफी कुछ हम लोगों ने इसमें काम किया है। तो जब तक 6 मंथ का बच्चा, हम छोटे से बच्चे से इन्फेंट से लेके चलेंगे, जब 6 मंथ का बच्चा है तो माँ के दूध से बढ़ के इम्यूनिटी एनहांसर उसके लिए कुछ भी नहीं है। 6 मंथ पे हम बच्चे को देते हैं थोड़ा सा दाल या दलिया या कुछ इस तरीके की चीजें या सूजी के बने हुए आइटम। जब 6 मंथ से बच्चा बड़ा होता है तो हल्दी बहुत जरूरी है, जैसे कि आयुष डिपार्टमेंट भी बताते हैं और हमारी नेचुरोपैथी में भी हल्दी का डिस्क्रिप्शन बहुत होता है। छोटा छोटा सा हल्दी, उसको बच्चे की कब प्रकृति होती है, बच्चा जब छोटा होता है कब प्रकृति होती है, और ये ना प्रकृति को भी डिवाइड किया गया है बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, शरीर के अंदर, तो बच्चे के जल्दी से कफ पड़ जाता है, तो इसलिए हल्दी उसको कफ का मतलब हल्दी एक्सपेक्टोरेंट भी होती है कि आपका कफ जो है वो बाहर निकल जाता है और डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बाकी आयुर्वेद की बात करें तो च्वन प्राश, उसमें जो 54 औषधियां होती है, वो च्वन प्राश बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 1/4 चम्मच, यानी कि एक एक आप ग्राम करके, छोटा ग्राम, हाफ ग्राम, जितना बच्चा है उसके हिसाब से, 12-13 साल तक के बच्चों के लिए 10-12 साल तक बहुत जरूरी होता है। 1/5 का सेवन करें। एक आंवले की चटनी, आमल की रसायन भी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और क्या बोले तो बाकी तो दवाइयां हैं बच्चों के लिए बचाने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब बच्चों के लिए उनकी माँ की भी औरा एक पावरफुल काम करती है। माँ यदि बहुत पॉजिटिव हो, माँ च्यवनप्राश खाए तो बच्चों के दूध में भी उसका इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो नेचुरली वो कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर मैं फ्रूट्स में बात करूँ, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं हमारे पीडियाट्रिशियन सर,
तो बच्चों के लिए अगर फ्रूट फ्रूट में मैं बात करूं तो जो सेब होता है एप्पल, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आयरन से भरपूर है। और गुड़, जो पुराना गुड़ है वो बहुत अच्छा है बच्चे को, अदरक के रस, अदरक का रस निकाल के पुराने गुड़ को, मैंने गुड़ का डिस्क्रिप्शन दिया था, भाव प्रकाश निघंटू एक बुक होती है आयुर्वेद की, ये भाव प्रकाश निघंटू एक बुक है, इसमें गुड़ का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, सारे आइटम के अच्छे हैं। तो अदरक के रस में थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके वो मीठा भी हो जाता है, थोड़ा सा वो तीखा भी होता है, उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराते रहे तो कब जो है वो बाहर निकलता है और बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है, ब्रीदिंग और जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा होता है। तो इससे उस पर जो एंटीबायोटिक का एक्चुअली ये काम करता है, तो कोई भी वायरस वगैरह है वो तो लेके 6 महीने से लेके 10-11 साल के बच्चों के लिए सारी चीजें, छोटा बच्चा थोड़ा छोटा खिला दें क्योंकि वो तीखा है, गुड़ ज्यादा डाल दें और अदरक थोड़ा तीखा होता है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाकी तो सर ज्यादा बता पाएंगे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और ये इस कंडीशन में पेशेंस इज अ वेरी नाइस, पेशेंस जितना हमारे अंदर हो, धैर्य हो, उतना ही जल्दी हम सब लॉकडाउन से बाहर आ सकते हैं, पेशेंस लूज ना नहीं होनी चाहिए। अनीता बहन, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं कैसे हम अपने पेशेंस को मेंटेन कर सके, धैर्य को इस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे पेशेंस को मेंटेन कर सके, धैर्य को योगिक टेक्निक से हम कैसे उसे मेंटेन कर सके, लास्ट में हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ जी, सॉरी आपने क्या बोला, किसके बारे में बोलना है, सॉरी दोबारा एक बार। धैर्य कैसे धारण करें, पेशेंस कैसे बना के रखें हम इस सिचुएशन में। जी जी हाँ, इसमें वही है सर कि एक तो मेडिटेशन के द्वारा ही बता सकती हूँ मैं इसमें थोड़ा बहुत, कि हम मेडिटेट, अपने आप को मेडिटेट करें, और एक तो श्वासों के द्वारा, श्वास मेन है, अगर हम लंबे श्वास लेते हैं दिन भर और श्वासों पे ध्यान करते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग शांत रहते हैं, हमारा मन शांत होता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी स्ट्रोंग होती है, उस हम सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो सांसों का बहुत बड़ा रोल है, सांस हमें ठीक से लेनी चाहिए, लंबी सांस ले, बड़ी सांस ले, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एक नेचुरोपैथी में इसको भी एक टॉक्सिन बोला गया है, मेन टॉक्सिन है ये भी एक नेचुरोपैथी में, तो वो डिटॉक्स करना है कार्बन डाइऑक्साइड को सांसों के द्वारा, लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना। उसके अलावा हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन भी हम लोग बहुत सारे मेडिटेशन है, इसमें धैर्य का मेडिटेशन भी होता है, एक धैर्य के लिए पिंक कलर का ध्यान करने करके हम अपना आनंद केंद्र पे अपना इसको स्ट्रोंग कर सकते हैं, धैर्य को बढ़ा सकते हैं, आनंदमय कोष को ज्यादा से ज्यादा हम ये आनंद के, और एक हम इसको मून का, चंद्रमा का ध्यान करके अपने मस्तिष्क पे अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कूल रख सकते हैं मंत्रों के द्वारा भी। इसमें जैन धर्म में एक नमो अरहंत आणम का मंत्र आता है, उसके द्वारा हम लोग चैंटिंग करें, साथ साथ हम चंद्रमा का ध्यान करें कि हमारे मस्तिष्क पे चंद्रमा की किरणें गिर रही है, सारा मस्तिष्क सफेद रंग के परमाणु से भर रहा है, वहां पे शीतलता का अनुभव करें, दिमाग को ठंडा करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये प्रयोग। हम इसे बच्चे धाम में भी ये प्रयोग करवाते हैं कि अपने आप को कैसे हम रिलैक्स कर पाए, क्रोध को शांत कर पाए, तो ये चंद्र बहुत अच्छा प्रयोग है। इसको ज्योति केंद्र परीक्षा ही बोलते हैं हम लोग, ज्योति केंद्र मतलब कि हमारा मस्तक के बीचों बीच का पार्ट, ये ज्योति केंद्र माना गया है योग की भाषा में। तो यहाँ पे ध्यान केंद्र करें और चंद्रमा की तरह शांति को फील करें, तो बहुत बढ़िया अनीता जी। और संजय जी, तनवर जी हैं, संजीव जिंदाल जी हैं, डॉक्टर वंदना त्यागी जी, और हमारे आज के चीफ गेस्ट जो डॉक्टर नव कुमार राजू, बॉलीवुड फिल्म मेकर और दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, और बहुत सारे इन्होंने फिल्म, और बहुत चिंतनशील है, अबाउट 10 times इन्होंने मेडिटेशन जो विपासना कर रखी है, जब जब इनको फिल्म फिनिश करने के बाद, कंप्लीट करने होने के बाद एक बार ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान इनके मानो लाइफस्टाइल बन चुकी है। हमारे सब नेम कुमार जैन जी हैं गुड़गांव से,
श्री केदार जोशी जी हैं, वी आर ऑल वेरी नाइस वेरी परफेक्ट। हम सब धैर्य धारण करें और थोड़ा समय प्रैक्टिकल ध्यान करें, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन करके थोड़ी सी एनर्जी, ध्यान एक ऐसी ध्येय की प्राप्ति का रास्ता है। थोड़ा सा क्लोज आइज, क्योंकि आंख से हमारा 80% एनर्जी बाहर खर्च हो जाता है, तो आंख को पहले हम बंद कर लें। यानी बाहर जाने वाली हमारी शरीर की जो एनर्जी है, उसे हम उसका रास्ता आंख बंद करके बंद कर लें। अब हमारा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ही टर्निंग पॉइंट यानी टर्न हो रहा है, अब अंदर की ओर फ्लो हो रही है। जो हमारी एनर्जी आउटसाइड फ्लो हो रही थी, अब इनसाइड फ्लो हो रही है। कीपिंग क्लोज आर आइज एंड रियलाइज द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज विद इन आर सेल्फ। इस संसार का परम सत्य हमारे अंदर चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है। वी आर ऑल कनेक्टेड विथ सुपर पावर और इन दिस यूनिवर्स थ्रू आर ब्रीदिंग हम सब इस ब्रह्मांड से श्वास के माध्यम से थ्रू ब्रीदिंग कनेक्टेड हैं। सो डोंट इन्वॉल्व विद ब्रीथ। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया, श्वास के साथ बिल्कुल हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जस्ट वॉच आर ब्रीथ, एक साक्षी भाव बन के हम अपने शरीर और शरीर में होने वाली ब्रीदिंग प्रोसेस को वॉच करेंगे, देखते रहेंगे। जस्ट वॉच आर ब्रीद। थ्रू ब्रीदिंग आर ऑल बॉडी पार्ट्स इज इन फंक्शनिंग। श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर इन वर्किंग इन फंक्शनिंग। श्वास के माध्यम से ही शरीर के हमारे सभी तंत्र कार्य कर रहे हैं। बट वी आर नॉट ब्रीथ, वी आर नॉट बॉडी, किंतु हम ना शरीर है और ना ही श्वास है। वी आर नॉट बॉडी एंड वी आर नॉट ब्रीदिंग। जस्ट वॉच ओनली, स्लोली विल फील वी आर गोइंग टू बियॉन्ड ब्रीद एंड बॉडी। एक समय ऐसा आएगा कि शरीर और श्वास से हम परे चले जाएंगे। सो रियलाइज आर सेल्फ, रियलाइज आर सेल्फ, वी आर गोइंग टू बियॉन्ड बॉडी एंड ब्रीदिंग। जस्ट फ्रॉम आर बॉडी टू यूनिवर्स, जस्ट विल फील
वी आर स्प्रेड इन यूनिवर्स, हम पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। पूरे आकाश में जैसे हम फैल रहे हैं, हमारी चेतना यूनिवर्सल हो रही है। We realize we are beyond this universe. Nothing is there, but everything is there. इस ब्रह्मांड से परे ब्रह्म है, उस ब्रह्म से एकाकार कर लेंगे। जस्ट वन विथ सुपर पावर हु इज जनरेट दिस यूनिवर्स, मैनेज एंड ऑपरेट दिस यूनिवर्स, टू वन विथ सुपर पावर, टू वन विथ सुपर कॉन्सियसनेस, परम चैतन्य परमात्मा से एकाकार हो जाए हम। अपने टंग को बेंड कर ले ऊपर की तरफ, खेचरी मुद्रा लगाएंगे। टू बेंड योर टंग, खेचरी मुद्रा एंड सांभवी मुद्रा। टू अप्स योर आईब्रोज इन कीपिंग क्लोज, आंख बंद किए हुए हैं में हम अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लेंगे, थोड़ी सी आईब्रोज को ऊपर खींचेंगे। जैसे जैसे हम शरीर रूपी ब्रह्मांड से परे जाते हैं, वैसे वैसे देर आर 14 भुवंस इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में कहते 14 भुवन है। Through meditation we can realize this secret of this universe. ध्यान के माध्यम से इस रहस्य को हम जान सकते हैं और जाग सकते हैं। The silence and silence is one of the secret of this universe.
द सुपर पावर इज इन द फॉर्म ऑफ साइलेंस। परमात्मा परम शांत स्वरूप है। Beyond this universe is a Brahmalok that is called our own consciousness. हमारा चेतना ही ब्रह्मांड से परे है। The Paramatma or super power is own our consciousness. हमारी चेतना ही The God is our own consciousness. Beyond mind, beyond all senses, there is no thoughts and mind is use, and there is no intelligent is use here. The superpower or God is brilliant. The consciousness of this superpower is called our intelligent. So realize this reality. Paramatma or Hamara, dono ka consciousness ek hi hai. So we are all brilliant and we are all genius and we are all great like God. Just realize our body is a universe and we are unique superpower Brahma. Hum aisa realize kare ki hamara sar Brahm space hai, aakash hai. हमारा पैर पृथ्वी है, हमारा शरीर ब्रह्मांड जैसा विशाल बन गया है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी चेतना फैल गई है। अब हम कोई पर्सन या व्यक्ति नहीं है, विराट ब्रह्म का रूप धारण कर लिया है। To break our space element, आका अपने मन से परे जाना और उस ब्रह्म यानी ब्रह्मांड में स्थिति को पाना ब्रह्म दर्शन है। उस स्थिति को हम लोग रियलाइज करेंगे। So realize this beautiful consciousness of विराट ब्रह्म स्वरूप। But we will cannot realize through our mind and senses. There is no words is explained here to our consciousness level or broadness or universal law of consciousness.
हमारे मस्तिष्क में सूर्य है, चांद है, तारे है, टू रियलाइज आर हेड इज अ हमारा सर आकाश है, हमारे बॉडी अपने अंदर सात समंदर को रियलाइज करें, टू रियलाइज आर बॉडी इज अ ब्यूटिफुल यूनिवर्स, हमारा शरीर एक विशाल ब्रह्मांड है, एंड वी आर द यूनिक ब्यूटिफुल सुपर पावर ब्रह्मा और ईश्वर और गॉड हु इज जनरेट दिस यूनिवर्स, हु इज मैनेज दिस यूनिवर्स एंड हु इज ऑपरेट दिस यूनिवर्स, जो इस ब्रह्मांड को चालन, परिचालन और प्रबंधन कर रहा है. So we have a responsibility to make a beauty of this universe because we are the integral superpower. हम सब परमात्मा के अभिन्न अंग हैं. Now we are Virat Brahma Swarup, the Atma, Antaratma, Paramatma, Sarvatma, Vishwatma, the whole is a Paramatma, and right now we are a Vishwatma in the states of Supreme Consciousness of this superpower. We are in whole universe and universal consciousness. हम सूर्य में जैसे तेज हैं, आकाश में चिदाकाश हैं, वायु में प्राण हैं, जल में शीतल जैसे पानी में प्यास और पृथ्वी में प्राण स्वरूप हैं. इस पंच महाभूत को धारण किए परमात्मा का पूरा पूरा चेतना जो पंच महाभूत को धारण किए परमात्मा है, उस परमात्मा के परम चेतना का अनुभूति करें. टू एक्सपीरियंस द होल इन टोटलिटी इस समग्र में स्वयं के अस्तित्व को रियलाइज करें. द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ नाउ वी आर वन विद सुपर पावर, वी आर वन विद सुपर पावर. Slowly we'll come back to through our breathing system. We are connected with the whole universe in every presence in this world.
थ्रू ब्रीदिंग, टू कम डाउन इन योर ओन बॉडी, and realize the whole is in our soul. The totality समग्र को स्वयं में हम धारण किए हुए हैं. इस भाव से अपनी शरीर में हम चेतना की एकाग्रता को धारण किए हुए प्रशांत जीवन का यापन करें. So slowly come down and in your body, our body is one of the best instrument or beautiful small universe. It's part and parcel of this big universe. To stay and work to maintain this beautiful universe, is ब्रह्मांड को manage और maintain करने के लिए हम सब की responsibility है. Because we are one with superpower, we are the message of superpower, we are the light of divine light. So realize our responsibility to maintain the nature. इस ब्रह्मांड की सुंदरता को हम बनाए रखें, ये हमारा स्वधर्म है. क्योंकि हम सब परमात्मा के ही अभिन्न अंग हैं. वी आर ऑल सन ऑफ दिस सुपर पावर. वी आर ऑल ब्यूटिफुल चाइल्ड ऑफ द परमात्मा, गॉड और सुपर पावर. इसलिए ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये हमारा है. इस संसार के की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना हम सब का परम धर्म है. हम सब की उत्तरदायित्व है. हम सब का इस परम कर्तव्य को कर्तव्य समझ के ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से हम इस संसार रूपी सागर में आनंद रूपी नौका पे बैठ के अपना जीवन आनंद के साथ यापन कर सकते हैं. सो डोंट वरी, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. विदाउट सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम इस संसार में नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशन. कोई भी समस्या बिना समाधान के हो ही नहीं सकता है. इसलिए डोंट वरी, हमें घबराना नहीं है, भागे नहीं, हम जागे. हम जागेंगे तो सारी समस्याएं छोटी पड़ जाएगी और हम उससे निजात पा सकते हैं, उससे हम ऊपर आ सकते हैं और फिर से हमारे जीवन बहुत अच्छी हो जाएगी. नथिंग इज बिगर एंड स्ट्रॉन्ग. हमसे बड़ा, इस मनुष्य इंसान से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं है. अपनी इंसान को ईश्वरीय क्षमता को रियलाइज हम मेडिटेशन के माध्यम से करेंगे, दिन ब दिन योग के माध्यम से, और अपनी भावना को शुद्ध रख के संसार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ के इस संसार के प्रति अपनी कर्तव्य को समझ के जीवन यापन करें तो हम सब का जीवन, द होल यूनिवर्स, हम सब का जीवन बहुत अच्छा होगा और हम कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा. सो धीरे धीरे हम अपनी दृष्टि में आएंगे.
हम समझते हैं कि ध्यान के माध्यम से हमने पूरा सृष्टि का दर्शन किया। अब अपने इस फिजिकल आइज में हम आए, हम अपने दोनों आंखों के सामने कप जैसा बनाएंगे। डोंट टच योर आइज एंड फेस बाय योर हैंड। थोड़ा सा अंधकार करें और कोमलता के साथ, आनंद के साथ, सुंदरता के साथ अपनी आंख को खोलें। भाग्य रेखा हमारा बहुत अच्छा है, लाइफ लॉन्ग है, हृदय की विशालता है। आस पास पड़ोस में जो भी है उन्हें हम सब लोग अच्छे दृष्टि से देखें, क्योंकि अब हमारी दृष्टि में सृष्टिकर्ता की दृष्टि आ गई है। सो हमारी दृष्टि अब ब्रॉड हो गई है, ईश्वरीय दृष्टि आ गई है। इसी दृष्टि के साथ हम इस सृष्टि को देखें, अपने जीवन को यापन करें। फिर से हम लोग कल योग प्रातः, हम सब जैसे भी हो जो जहाँ भी है योग करें। योग से हम बिल्कुल निरोग ही नहीं, अपनी जीवन रूपी इस नैया को मझधार से बाहर निकाल सकते हैं। और हम सब में ये पावर है, वी आर ऑल, हम सब इस परमात्मा से जुड़े हुए परमात्मा के ही अभिन्न अंग हैं। सो डोंट वरी, नाव मझधार में होती है तभी हमें कितना शक्ति है इसका पता लगता है। तो योग के माध्यम से हम, नेचुरोपैथ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और इस तरह हमारे विद्वान, हम सब कोशिश करें कि हम सब भी इस तरह से डिस्कशन में आए। कल भी हमारे साथ विशाल जी आ रहे हैं, फिल्म एक्टर, और भी सब लोग, हम लोग जुड़ के, कुछ डॉक्टर साहब भी आएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे और ध्यान की धारा में बहेंगे, जिससे हम और हमारे साथ पूरा ये संसार भी आनंद की गंगा में फिर से बहे। संसार सुंदर हो तो हम सब भी सुंदर होंगे, समाज अच्छा होगा तो हम सब भी अच्छा होंगे। आदरणीय संजय जी, शांति पाठ कराएं। एक लंबी ओंकार ध्वनि भरे श्वास जी। ओ, 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 से सजग हो, आप कहां बैठे हैं, किस आसन पर बैठे हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आसपास से आती हुई आवाजों को पहचानने, अपने शरीर की त्वचा पर सेंसेशन महसूस करें।
धीरे धीरे आंखें खोले, अध खुली आंखों से ही कुछ क्षण अपने आसपास को अनुभव करें। कुछ समय ऐसे ही मौन में रहकर, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना जिससे बन पड़े रहें। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आनंद प्राप्ति का अनुभव कराया। धन्यवाद। धन्यवाद सब लोगों का। अब हम थोड़ी सी धन्यवाद कर ले हमारे टेक्निकल डायरेक्टर मिताली पुलिन नागर से, फ्रॉम अहमदाबाद से हैं वो। श्री राजेश्वरी माता नंदिनी, माता राजेश्वरी की पुत्री हैं और बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट रहता है उनका, अहमदाबाद से हैं। और हमारे साथ नवीन अलमल जी हैं भिवानी से आपके, हरियाणा से। इंदु घिमरे जी हैं काठमांडू से है। महेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, नीरज सिंह है, अतुल सालाग्रे जी हैं, निहाल शर्मा जी हिमाचल से हैं, बीरेश्वर जी हैं, उत्तम बरनवाल जी हैं, विजय केजरीवाल जी, डॉक्टर विजय केजरीवाल जी कलकत्ता से। सो देयर आर सो मेनी, चिन्मय जी हैं पत्रिके पुणे से, उत्तम बरनवाल जी हैं, जगदीश पाटिल जी हैं, दत्त यादव जी, प्रभात चंद्र ओझा, उत्तम बरनवाल, फैंसिसा डिनार्दिस, भीमसेन फिल्म एक्टर हैं काठमांडू से, उत्तम बरनवाल, ममिता गुरुंग जी हैं सिक्किम से, रमेश राठौर जी पुणे से, श्रीनिवास के आर, प्रोफेसर श्रीनिवास के आर यूथोपिया से हैं, बीना खाडिलकर जी संडे को आएंगे मुंबई से हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो सबको धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही जुड़े, आनंद की गंगा में बहें, सत्संग में बहें। और जय जय श्री सद्गुरुदेव समर्थ। फिर से हम लोग आएंगे, कल सुबह योग करेंगे और फिर से शाम को 5:30 5:30 हम लोग आनंद की गंगा, ध्यान की गंगा और डिस्कशन इसी तरह से करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सबको फिर से पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू।